आर्ट गैलरी ऑडिटोरियम दरभंगा लहरियासराय में कृषि वर्ष 2024-25 में खरीफ मौसम के लिए जिला सांख्यिकी कार्यालय दरभंगा द्वारा कृषि सांख्यिकी से संबंधित एक दिवसीय प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण जिला सांख्यिकी पदाधिकारी दरभंगा की अध्यक्षता में आयोजन किया गया शुक्रवार को, जिसमें दरभंगा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी दरभंगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी की पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी, किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, राजस्व कर्मचारी सहित अन्य कई संबंधित लोगों ने भाग लिया। जिला दरभंगा ने भाग लिया। प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर सुमित कुमार, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी मनीगाछी मानवेंद्र कुमार, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी बेनीपुर एवं पवन कुमार सिंह सदर दरभंगा द्वारा संचालित किया गया। इस प्रशिक्षण में कृषि सांख्यिकी के आंकड़ों को डिजिटली ई स्टैटिक पोर्टल पर अपलोड करने और खेसरा पंजी, सामान्य जिन्सवार, भूमि उपयोग विवरण, नेत्रांकन, मौसम संचित विवरणी इत्यादि तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य फसल के उपज दरों के आंकलन के लिए फसल कटनी प्रयोग की वैज्ञानिक विधि को विस्तारपूर्वक बताया गया। फसल कटनी प्रयोग किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी द्वारा संपादित किया जाता है, जिसका निरीक्षण जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। फसल कटनी करते हैं, ऐसे तो आप लोग पूर्व से ज्यादातर लोग करते हुए आए हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं किए होंगे, वो समझ लेंगे कि फसल कटनी हम लोग करते कैसे हैं। पंचायत स्तरीय होता है और एक अंचल स्तरीय होता है। पंचायत स्तरीय जो अभी हम लोग करेंगे, ये अगहनी धान के लिए, जिसमें प्रत्येक पंचायत में 5-5 प्रयोग करते हैं, और प्रखंड या अंचल स्तरीय जो कटनी होता है वो रेवेन्यू विलेज के माध्यम से होता है, जिसमें एक रेवेन्यू विलेज में 2 कटनी का प्रयोग करना होता है। सबसे पहले जिला के द्वारा प्रत्येक प्रखंड में प्रत्येक पंचायत वाइज जो 5-5 कटनी प्रयोग होता है, उसके लिए जिला से 4 अंक की समसंभावित संख्या जिला के द्वारा प्रखंड अंचल को प्रेषित किया जाता है, जिसमें प्रयोगकर्ता का नाम भी अंकित होता है। पहले पंचायत का जो उच्चतम खेसरा संख्या होता है उसको निकालते हैं। तो पंचायत का उच्चतम खेसरा कैसे हम लोग निकालते हैं? एक पंचायत में जितने रेवेन्यू विलेज होते हैं, किसी पंचायत में 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, 5 होंगे, 10 भी होंगे, तो जितने रेवेन्यू विलेज हैं सभी के उच्चतम प्लॉट संख्या को हम लोग जोड़ लेते हैं। दरभंगा नगर निगम की असंचक पार्किंग के एक हिस्से की जमाबंदी को रद्द कर जमाबंदी में संहित जमीन के रकवा को दरभंगा नगर निगम की जमीन के साथ जोड़ने का आदेश अंचलाधिकारी सदर दरभंगा को अपर समाहर्ता न्यायालय ने अपने आदेश में दिया है। इसकी जानकारी मिलते ही निगम पार्षदों में खुशी छाई और मिठाइयां बांट खुशी का इजहार किया। मालूम रहे कि 3 महीने पूर्व नगर निगम की एक बैठक में निगम पार्षद नवीन सिन्हा ने इस जमीन के एक हिस्से की जमाबंदी दूसरे के नाम करने की सूचना देकर निगम से इस संबंध में चुप्पी पर जवाब मांगा, तो अन्य पार्षद अधिकारी भी चौंक गए। इसके उपरांत इस मामले में पहले से लेकर वर्तमान निगम प्रशासन पर अपनी जमीन की रक्षा नहीं करने को लेकर आरोप लगने लगे। इस जमीन के हक के कागजात निगम कार्यालय में ही नहीं होने, गायब होने की बात आने पर यह मामला और तूल पकड़ने लगा। इसके उपरांत तत्कालीन नगर आयुक्त ने उत्तेजित पार्षदों को इस संबंध में उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था। इसी संदर्भ में कई पूर्व पार्षदों ने भी अपने पास उपलब्ध जानकारी कागजात से नगर आयुक्त को अवगत कराया। इसी दौरान पार्षदों का एक समूह तब महासंघ गठन की प्रक्रिया में था और इस विषय पर अपनी सक्रियता भी दिखाई। वार्ड 11 की पार्षद सोनी देवी, जदयू नेता सुशील कनोडिया ने जिला अधिकारी दरभंगा को ज्ञापन दिया, तो उप महापौर नाजिया हसन, स्थायी समिति सदस्य मोहम्मद फिरोज, रियासत अली ने अपर समाहर्ता से मिल निगम हित में अपनी बात रखी। पूर्व पार्षद मधुबाला सिन्हा एवं पार्षद महासंघ के प्रतिनिधि ने भूमि सुधार उप समाहर्ता के यहाँ पूर्व एक मामले के फैसले की प्रति देकर इससे अवगत कराया। अंततः इस चर्चित मामले पर जिलाधिकारी के आदेश उपरांत नगर आयुक्त के आवेदन पर अंचलाधिकारी सदर ने अपर समाहर्ता के न्यायालय में इस जमाबंदी को पूर्व में अपने यहां करने की बात स्वीकार कर उसे खारिज के लिए दायर किया।
अपर समारता के न्यायालय में विपक्षी पार्टी को नोटिस तामिला कड़ा दोनों पक्षों की सुनवाई की गई। आखिरी बहस 6 सितंबर को सुनने के उपरांत 13 सितंबर को अपर समारता ने इस निजी व्यक्ति के नाम गलत जमाबंदी को मान उसे निरस्त कर अंचलाधिकारी दरभंगा को रकवा दरभंगा नगर निगम के नाम जमाबंदी करने का आदेश दिया। हाल के दिनों में दरभंगा नगर निगम की अतिक्रमित जमीन में इस तत्वरित फैसले की कार्रवाई से पार्षदों में खुशी की लहर दौड़ गई और इसे लोकहित जनहित में तत्वरित न्याय की बात खुशी का इजहार कर आमजनों में इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से देते हुए दरभंगा प्रमंडल पार्षद महासंघ ने इस फैसले के बाद निगम पार्षद कक्ष में मिठाई बांटी और आगे अन्य अतिक्रमित जमीन पर भी इस तरह की कार्रवाई कर एकजुटता की बात कही। पार्षद महासंघ के अध्यक्ष राजीव सिंह ने बताया कि इसके संबंधित वार्ड पार्षद सोनी देवी के साथ पार्षद नवीन सिन्हा को महासंघ के कागजी कार्रवाई के लिए जिम्मा दिया था, जिससे हम सबों को भी लगातार नजर थी और इसकी समीक्षा हम लोग कर रहे थे। इस कार्य में मदद करने वाले जिलाधिकारी राजीव रोशन सहित तत्कालीन नगर आयुक्त कुमार गौड़व, भू अर्जन पदाधिकारी DCLR इत्यादि सहित सभी मदद करने वाले के प्रति आभार जताया। इस प्रकरण में दरभंगा प्रमंडल पार्षद महासंघ की ओर से भी वैधानिक कार्रवाई भी की गई। जिला राज्य स्तर से इस जमीन के मालिकाना हक के कागजात उपलब्ध कराने में दरभंगा प्रमंडल पार्षद महासंघ ने पहल किया। प्रारंभिक कागजात उपलब्ध होने पर इसकी अभी प्रमाणित प्रति नगर आयुक्त दरभंगा को सौंपी गई। तभी नगर आयुक्त के निर्देश पर पार्किंग की जमीन का अगतद रसीद भी कटवाया गया। महासंघ ने अपने स्तर से वैधानिक तरीके से निगम के संपूर्ण जमीन होने के प्रमाण को एकत्रित कर जिला प्रशासन को 25 जुलाई को ही सौंप दिया। तदुपरांत अंचलाधिकारी दरभंगा ने अपने पत्रांक 1915 दिनांक 26 जुलाई द्वारा अपर समारता दरभंगा के न्यायालय में इस व्यक्ति की जमाबंदी खारिज करने के लिए दायर किया, जिस पर यह फैसला आया। फैसला आने पर दरभंगा नगर निगम के पक्ष में संलग्न लगभग 150 पृष्ठों के कागजात की प्रति खुशी जाहिर की। इसमें निगम पार्षद नारद यादव वार्ड 6, राकेश पासवान वार्ड 9, सोनी देवी वार्ड 11, मुकेश महासेठ वार्ड 12, राजीव कुमार वार्ड 13, गजेंद्र कुमार वार्ड 14, विकास चौधरी वार्ड 17, रोहन कुमार वार्ड 19, पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद जमाल वार्ड 20, नवीन सिन्हा वार्ड 21, पार्षद प्रतिनिधि लक्ष्मण वार्ड 23, मोहम्मद फिरोज वार्ड 25, पार्षद प्रतिनिधि अमरजीत वार्ड 28, विकास चौधरी वार्ड 34, मोहम्मद रियासत अली वार्ड 37, सौरभ वार्ड 48, मिथिलेश राय पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 8, अविनाश कुमार पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 40 शामिल थे। उपस्थित पार्षदों ने निर्णय लिया कि निगम में इस कागजात की प्रति भविष्य में संरक्षण के लिए वर्तमान नगर आयुक्त को दिया जाएगा और निगम जमीन से जुड़े अन्य कागजात किस स्थिति में निगम कार्यालय से गायब हुआ, इसकी जांच की भी मांग की जाएगी। हालांकि इस फैसले में अपर समारता दरभंगा में यह चिन्हित नहीं किया कि किस वर्ष में किस अंचलाधिकारी के रहते यह जमाबंदी की गई और इस समय के संबंधित पदाधिकारी कर्मी पर कार्रवाई की जाए। यह भी चर्चा का विषय रहा कि जमाबंदी को चेक किए बिना अभी हाल के दिनों में उसे कंप्यूटरकृत कैसे किया गया, जिससे उसकी रसीद भी कट गई, जिसे अभी रद्द करने का आदेश दिया गया है। इतनी बड़ी तेजी में त्वरित निदान मिला है और पार्षद महासंघ के सभी सदस्यों को बधाई, हमको काम दिया गया था। सोनी पूर्वे जी भी एक्टिव थे, इनके वार्ड का मामला है, इनको विशेष रूप से बधाई। और इसी तरह जिन जिन पार्षदों के वार्ड में सरकारी जमीन या निगम की जमीन है, सब लोग उसी तरह एक्टिव हो। हम लोगों ने उसी समय तय किया कि सोनी पूर्वे जी को संयोजक बना करके इनकी अगुवाई में जो है तो यह काम करेंगे। तो जिस वार्ड का अच्छी जमीन होती है उसी के तहत तीन चार डेट पड़ा और तीन चार डेट में इसमें पदाधिकारियों का भी बहुत योगदान है। हम लोग 150-200 पेज पन्ने का ये जो पूरा दस्तावेज द्वितीयक प्रति है ये जो मिला है, ये जिलाधिकारी, भू अर्जन पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता और तत्कालीन नगर आयुक्त के संयुक्त सहयोग से ये सुनवाई हुई। उनका पक्ष जाना गया, विपक्षियों ने समझ लिया था कि कागज गायब हुए, लेकिन द्वितीय प्रतीक निकालने में जिन्होंने भी मदद किया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी का हम पार्षद महासंघ की तरफ से आभार प्रकट करते हैं। और ये तो प्रारंभिक अवस्था में है पार्षद महासंघ, ये तो अपने गठन कर रहा है, उसमें एक जिम्मेवारी दी गई, तो सभी सदस्यों की ये जीत है। ये नगर निगम की ही जीत नहीं, सारे पार्षदों की जीत है, पार्षद महासंघ की जीत है।
और इस सब के लिए संयोजक के रूप में हम सोनी पूर्वे जी को बधाई देते हैं और सभी जो मदद करता है उनका आभार। दरभंगा में बहुत सारे ऐसे तालाब है, 96 जमीन है नगर निगम की, 67 पर कब्जा है, सभी की सूची है और पार्षद महासंघ आगामी दिनों में सभी संबंधित पार्षदों को उनकी जमीन का जो कागजात है इसी तरह के प्रति देख करके कहेगा कि जब तक आप जनता के कर्जदार हैं, 5 साल के लिए वोट दिया आप उसकी रक्षा कीजिए, ये पार्षद महासंघ के एजेंडे में। एक सरकारी स्थल जो पार्किंग स्थल था उसकी जमीन की जो अवैध जमाबंदी करा दी गई वो आज उसका खत्म हो गया, उसकी जमाबंदी रद्द कर दी गई। लेकिन इस बात से मैं सहमत हूँ, इस तरह की कई मामले हैं, कई पोखर भाड़ा लिए गए हैं, कई जगह सरकारी जमीन, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है और कहीं ना कहीं मिली भगत है सरकारी कर्मचारियों की, भू माफियाओं की। बिना इन लोगों के संलिप्तता से ये काम नहीं होता। अभी भी जो हसन चौक का जो पार्किंग स्थल जो जिसकी जमाबंदी रद्द कर दी गई है, मुझे ये लगता है कि उस पार्किंग स्थल को जो अगल बगल जितने फुटपाथ वाले लोग, अगर वहाँ मार्केट बना दिया जाए चारों तरफ से, एक पार्किंग स्थल की जगह के लिए शहर के मुख्य जगह के चीज़ों को पार्किंग 25 रुपया लगाने के लिए कर, अगर वहाँ मार्केट बना दिया तो मुझे लगता है जो बाहर के जो फुटपाथ पे दुकानदार है या जो रेला ठेली वाले, उनको ही दुकान मिल जाएगा, एक रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा। तो इस पर मैं चाहूँगा हमारे सांसद, दरभंगा जिला के सांसद, नगर विधायक और हम नगर आयुक्त से मांग करेंगे कि वो जो हसन चौक का जो पार्किंग स्थल खुला रहने की वजह से जिसकी जमाबंदी करा ली गई, उसको जल्द से जल्द वहाँ एक मार्केट बनाया जाए, जिससे वहाँ जो बेरोजगार लोग जो ठेला खुली लेके जो अतिक्रमण के नाम पर शिकार हो जाते हैं, जिनको उठा के फेंक दिया जाता है, उनको मार्केट बनाकर वहाँ दे दिया जाए, तो मुझे लगता है उन लोगों को रोजगार की व्यवस्था होगी। और ये रियली ये बहुत बड़ी बात है कि एक सरकारी जमीन जिस पर आधिपत्य जमा कर लिया गया था उसकी जमाबंदी रद्द कर दी गई। इसके लिए मैं सबसे पहले नवीन सिन्हा जी, जिन्होंने बोर्ड की बैठक में इस बात को उठाया था, और उसके बाद इसके लिए वार्ड 11 की पार्षद सोनी पूर्वे जी, नगर आयुक्त से मिली, जिलाधिकारी से मिली, इवन उन्होंने पटना जाके मंत्री से मुलाकात किया, ये दोनों इसके लिए बहुत बड़े शुक्रिया इन लोगों का मैं अदा करता हूँ कि इन लोगों ने इसकी लड़ाई मजबूती से लड़ी। ये कहीं ना कहीं ये इशारा है कि जो पोखर भी भरे गए उन लोगों को भी खत्म होना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर जमाल हसन, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड 20। ये हर्ष की बात है और दरभंगा नगर निगम परिवार का हर्ष का विषय। आज हम लोग को जजमेंट मिला है हसन चौक जो पार्किंग थी उसके संदर्भ में, माननीय हमारे पार्षद 21 के जो नवीन सिन्हा जी हैं उनके द्वारा बोर्ड के मीटिंग में, उनके बोर्ड के माध्यम से इन्होंने संज्ञान में लिया कि वहाँ कुछ लोग जमाबंदी अपने नाम करा लिए, जबकि वह जगह वह स्थल दरभंगा नगर निगम का है। उसी के संदर्भ में माननीय नवीन सिन्हा के द्वारा जो संज्ञान में दिया गया, उसके उपरांत सभी दरभंगा प्रमंडल के हमारे जो भी इकाई, दरभंगा इकाई के सभी माननीय पार्षद के द्वारा इस बात को बहुत ही नज़दीकी से देखा और उसके उपरांत सभी लोगों ने मिलकर इसको जिला प्रशासन को संज्ञान में दिया कि मामला इस तरह का है, इसको आप देखिए अपना। उसके उपरांत उन्होंने अंचलाधिकारी को एक आदेश दिया गया, अंचलाधिकारी के द्वारा फिर अपर समाहर्ता को इस पर विचार कर और इसको निरस्त करने के लिए एक बात दायर किया। उसी संदर्भ में 25 जुलाई 2024 को यह मामला के लिए बात दायर के लिए हम लोग ने आवेदन दिया। उसके उपरांत 26 को ही अपर समाहर्ता दरभंगा को यह पत्र प्राप्त हुआ और उसी के आलोक में बात चली, बहुत प्रक्रिया हुआ, जिसके उपरांत आज हम लोग को कल इसकी कॉपी हम लोगों को दिया गया। उसी के संदर्भ में आज यह हम लोग हर्ष के साथ, इस संगठन का जीत है, हमारे नगर निगम परिवार की जीत है, इसी संदर्भ में आज हम लोग। किनके द्वारा जमाबंदी कायम करवाया गया था, कौन लोग हैं वो? वह रत्नोपट्टी के हैं, उनका नाम है एक महिला, एक पुरुष, परशुराम शाह। अच्छा, परशुराम शाह के द्वारा यह जमाबंदी गोपनीय ढंग से कराया गया था, जिसको निरस्त कर दिया गया है और उसके उपरांत आदेश दिया गया है अंचलाधिकारी को कि आप खाता खेसरा नंबर जो दरभंगा नगर निगम के तहत है उसमें यह
उसके पास पेपर आया कहाँ से जो जमाबंदी करवाया? देखिए इसके पीछे अगर जाइएगा तो इसमें लापरवाही कहीं ना कहीं है। जो नगर निगम का पेपर था, हमारा जो पेपर था, गुप्त रूप से गोपनीय ढंग से कैसे गायब हो गया, यह जांच की विषय है। अभी तो एक पेपर गायब हुई थी। निश्चित रूप से यदि हम लोगों के संज्ञान में यह बात आती है तो फिर हम लोग इस पर पूरे होशो हवास के साथ उस पर हम लोग लगेंगे, और जो भी क्रियाकलाप गलत ढंग से यहाँ गोपनीय ढंग से जब कागजात गायब होता है वह नहीं हो, इसके लिए हम माननीय नगर आयुक्त जो अभी आए हैं राकेश गुप्ता जी, उनसे भी आग्रह करेंगे। और इसके लिए हम लोग जो पेपर दिया गया है 150 पन्ना के लगभग जजमेंट है, उसको भी हम लोग नगर आयुक्त महोदय को देंगे और यह सुरक्षित रखें ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं। तो ऐसा तो नहीं पूर्व में नगर निगम के मिली भगत के कारण? पर बिना जांच का हम कुछ नहीं कह सकते हैं, यह जांच का विषय है और जांच के उपरांत ही आप लोग के समक्ष यह आ सकता है और आप लोग भी जानेंगे, हम लोग भी जानेंगे। राजीव कुमार दरभंगा प्रमंडल पार्षद महासंघ के हम अध्यक्ष हैं और यहाँ दरभंगा इकाई नगर निगम में वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 13। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी नगर आयुक्त महोदय को और हमारे पार्षद संघ के सभी सदस्य को कि हम लोग की जीत हुई है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी कि आपके न्यूज़ के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति, हम हो या आप हो, किसी को भी अगर ज़मीन खरीदना रहता है तो सब चाहता है कि हम ज़मीन खरीदे अपना, और गलत तरीका और सही तरीका ये इस चीज़ को तो जिला अंचल अधिकारी जितने भी सदस्य हैं या जिस जो भी इसमें शामिल है उन लोगों की मिली भगत से ही ये सब होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि मैं मांग कर रही हूँ कि जो भी जो साजी हो या महिला जिनके नाम से ज़मीन दाखिल खारिज कराया गया हो उनका तो पैसा फंसा होगा, कहीं ना कहीं उन लोगों को क्षति हुई है, इसका खामियाजा कौन भरेगा, वो जवाब दे विभाग। क्योंकि कोई हम हो कोई भी आदमी चाहता है हम अपना जमीन ले किसी भी तरीके से, इस पे भी कुछ संज्ञान में विभाग को मैं चाहूंगी लेना चाहिए था। क्या इसमें भी विभाग की मिली भगत हो सकती है? हो सकती है, वो तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा। क्या इसमें जमीन माफिया लोग भी शामिल थे? मैं कैसे बताऊंगी? हसन चौक वाला मामला किसकी मिली भगत है? उतर जिला अंचल अधिकारी या जो भी अधिकारी इसमें मिले हुए हैं जो इसको जमाबंदी किए होंगे उन सब के मिली भगत से ही हुई होगी, तभी हुआ। तो ये भी जांच की विषय है, इसको भी संज्ञान में लेना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। सोनीपुर में वार्ड नंबर 11 पार्षद। आज हमारा दरभंगा प्रमंडल का कुछ दिन के बाद हम लोग बैठक भी करेंगे, लेकिन आज दरभंगा प्रमंडल पार्षद महासंघ के द्वारा एक जीत हुई है और इसी आज आप सोशल मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पार्षद संघ का भी घोषणा हो रहा है, इनको डबल खुशी है हम लोग का। आज एक बात हम बोलना चाहेंगे कि नवीन भैया बोर्ड के बैठक में हसन चौक पार्किंग के बारे विषय में एक कट्ठा जमीन जो दो आदमी के नाम पे जमाबंदी हो गया उसका विषय उठाए थे, लेकिन इसकी जानकारी हम कुछ दिन पहले से भी था कि माने कि ये लोग माने कि एक कट्ठा जमाबंदी हो चुका था, और उस लोग का हिम्मत देखिए काम आया था कि वो लोग नगर आयुक्त से भी मिले थे जाकर कि हमारा एक कट्ठा जमीन आपके पार्किंग में निकल रहा है सो हमको खाली करके हम अपना माने कि बंदोती करके हमको दिया जाए, इस बात की भी हमको जानकारी थी जो हम बोर्ड के बैठक में नगर आयुक्त सर के सामने में भी रखे थे कि आपसे भी मिला था और नगर आयुक्त से मांग कर रहा था। देखिए सबसे बड़ा बात उठ रहा है कि जब तक दाखिल खारिज जो होती है जब तक उसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा तब तक दाखिल खारिज नहीं होती है, आखिर उसके पास खतियान आया कहाँ से जो माने कि वो एक कट्ठा जमीन का दाखिल खारिज करवा लिया, ये सबसे बड़ा जांच का विषय बनता है। और रहा बात की जमाल भाई बोलते हैं कि पार्किंग को माने कि दुकान बना दे सबसे मार्केट बना दे, अगर किसी का जमीन रजिस्ट्री किया रहेगा तो क्या कोई अवैध जाके दाखिल कब्जा कर लेगा? ये नहीं होना चाहिए। और यहाँ नगर निगम से कोई भी अगर पेपर की लेन देन अगर होती है या पूर्व में हुई है तो इसकी जांच का विषय बनता है और कौन सब इसमें सम्मिलित है उसका नाम उजागर होना चाहिए, क्योंकि एक बार का विषय का बात नहीं है, ये बराबर हो रही है।
ये सरकारी जितना भी हमारे अपने वार्ड में जितना भी सरकारी हमारा पोखर है उसको भर देने का काम किया है, वो कहाँ से भरा गया है? निगम पुराना खतियान का मालिक होता है, निगम में नक्शा है, सारा चीज होने के बावजूद भी सर जमीन बिक जाता है। इसमें किसकी लापरवाही देख रहे हैं? लापरवाही निगम की लापरवाही है। पहले की जो व्यवस्था थी वो पूरा मिली भगत की व्यवस्था रहती थी। पहले पब्लिक से जीतता नहीं था, आता था पैसा के बदलों पे मेयर के सिवे बैठता था, जो मन में आया था वो होता था। अब तो व्यवस्था रही नहीं, लेकिन उसका भुक्तभोगी अभी हम लोग भी, ये भी जो घटना हो रही है पहले का ही है, लेकिन भुक्तभोगी हम लोग के पड़ रहा है। आज पार्षद संघ अगर व्यवस्था अगर नहीं जो एकजुटता दिखाती, अगर सब गुड़ा एक साथ जुट के अगर इसका संज्ञान नहीं लिया जाता तो उससे एक कट्ठा जमीन से भी हम लोग का हाथ धोना पड़ जाता। आगे क्या रणनीति आप लोग की रहेगी? आगे रणनीति हम लोग का पार्षद संघ का संगठन बना हुआ है, उसमें हम लोग जो अपनी मांग को जोर दौड़ अगर कोई गलत किए हुआ है तो उसके साथ हम लोग जोर से आवाज लगाएंगे। देखिए सबसे बड़ा बात है कि एक जमीनी स्तर का लड़ाई पार्षद ही लड़ता है, कहीं पे सरकारी जमीन भराया जाता है तो पार्षद खड़ा होकर होता है। इसी कारण में वार्ड नंबर 2-3 का यदि 2 का पार्षद को जेल भेजा गया था भवैया पोखर के भरने के चक्कर में, जो सरकारी उसको जमाबंदी कैंसिल करना पड़ गया। जमाबंदी कायम कर देता है पैसा के बदौलत, ताकत के बदौलत जमाबंदी कायम कर देता है सरकारी जमीन का, और जब उस पर जवाब उठाया जाता है बात उठाता है पार्षद तो उसको जेल भेजने का काम करता है। बेफाजुल एक साल जेल काट के आया है, लेकिन उसमें भी माने कि वो हमारे नगर आयुक्त सर का किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता है। एक पार्षद लड़ाई लड़ता है सरकारी जमीन का, एक पार्षद लड़ता है सब कुछ का। आज देखिए हाल जितना भी प्रतिनिधि का हत्या हो रहा है, मुखिया का हत्या हो रहा है, पार्षद का हत्या हो रहा है, उसकी सुरक्षा कौन देगा? पार्षद संघ इस पर सारा संज्ञान लिया जा रहा है। अगर जो मान ले पार्षद संघ के अधीन में जो भी काम करेगा उसको सरकारी मुहैया मिलाया जाएगा, अगर जिसको लाइसेंस की जरूरत होगी आप लाइसेंस लिया जाएगा। कोई पार्षद के पार्षद के ताकत के साथ कोई लापरवाही नहीं चलेगी। अपना परिचय दीजिए। मुकेश परमार से वार्ड नंबर 12 के पार्षद। प्रत्येक शुक्रवार की तरह शुक्रवार को भी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन का जनता दरबार लगा। दरभंगा जिला के विभिन्न प्रखंड क्षेत्र से फरियादी पहुंचे थे, अधिकतर मामले जमीनी विवाद से संबंधित थे। जिलाधिकारी के द्वारा आए हुए तमाम फरियादियों को बारी बारी से उनकी शिकायतों को सुना गया और उचित कार्रवाई के लिए निर्देश भी दिया गया। जनता दरबार में आए हुए कई फरियादियों से हमने बात की, क्या कुछ शिकायतें थी उनकी हम आपको सुना रहे हैं। अभी आप यहां आए हैं डीएम सर, मेरे पिताजी का एक अन्य महिला से नाजायज संबंध हो चुका है, जिसके कारण से लगभग 6-7 बरिस से इनका खाना खर्चा बंद कर दिए हैं। जब भी दवा या खाना खर्चा के बारे में कहते हैं तो मानसिक और शारीरिक रूप से इनको प्रताड़ित किया जाता है। कहाँ आपके पिता का कहाँ जॉब है? ये जाले ब्लॉक में, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जाले ब्लॉक है, उसमें मिडिल स्कूल मलिकपुर में पोस्टेड है प्रधानाध्यापक के पद। क्या नाम है आपके पिता का? जी राजकुमार महतो। आपके माता जी का? रेणु देवी। तो कब से खाना खर्चा या उनको घर खर्चा नहीं दिया? तकरीबन 6-7 साल से। क्या कारण आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये उनको एक अन्य महिला राखी देवी नाम की महिला है जिससे उनको नाजायज संबंध है। पहले बातचीत सारा चीज खाना खर्चा देते थे, कितने वर्षों से देना छोड़ दिया? लगभग 6-7 साल से। अच्छा, तो अभी किनके पास आए? डीएम साहब के। कहाँ से आए आप? मुजफ्फरपुर से सर, मेरा घर मुजफ्फरपुर हुआ। अच्छा जी, और यहाँ दरभंगा आए हैं? जी जी, क्योंकि पिताजी दरभंगा में ही जॉब करते हैं। तो क्या वहाँ मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी के पास भी लेते क्या? जी नहीं, दरभंगा आए। जी जी, पहली बार आए। जी जी, पहली बार। क्या न्याय के रूप में क्या चाह रहे हैं? बस इनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, इनको जो अब इनकी कहीं मेरी सही। जी जी, मेरी माँ को जो मेंटेनेंस होना चाहिए, खाना खर्चा दवा ये सब मिलना चाहिए। कुछ नहीं मिल पा रहा? जी नहीं, कुछ नहीं मिल पा रहा। क्या नाम हुआ आपका? जी रमन कुमार पटेल। आपके पिताजी का? राजकुमार महतो। माता जी का? रेणु देवी। सर हम लोग आए, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हम लोग वहाँ सीओ साहब को दिए थे बस के खर्चा के लिए, वो हमारा नहीं बना है, इसके लिए यहाँ। क्या दिक्कत उसमें हुआ कि नहीं बना? अब वो हमको नहीं माना, दबंग आदमी सब वो बने। क्या बताया गया आपको कि किस लिए नहीं बना? सीओ साहब बोल रहे हैं कि ये जो मालिक का जमीन है उससे जो है स्टाम्प पेपर पर लिखवा करके लाई और उसका वंशावली बना के लाई। अभी किनके पास आए? जी सर, किनके पास आए? डीएम सुबह। क्या चाह रहे हैं आप? सर हम किससे मिलेंगे, कहेंगे पर्चा बनाने के लिए आगे देने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? अनवर। कहाँ से आए? प्रखंड अली नगर।
से संबंधित है। अच्छा, क्या दिक्कत है? मेरे बाबूजी के नाम से राशन कार्ड तक भी कोर्सालगंज नहीं मिला, अभी तक जब से हम भी वृद्ध हो आज तक नहीं है। मुखिया और अब्बास सहायक जो है मिली भर कागजे पर आम सभा करके 20-20 बीघा वाला जमीन को इंदिरा आवास देते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत हो रहा है आपको? हमको नहीं मिला है, आज तक देवे नहीं किया, कहता है अब हो जाएगा कल हो, सबको अभी भी पेमेंट हुआ हमको नहीं। लिए डीएम साहब है, दरखास्त दिए हैं, आवेदन दिए हुए इंदिरा जी, दिए हुए। फिर क्या दिक्कत हो रहा है इसमें आवास योजना में, क्या दिक्कत हो रहा है जो नहीं मिल पा रहा आपको? नहीं मिल रहा है, दरखास्त दिए हैं, इसमें देखिए क्या। कब दिए थे, कितना पहले दिए थे? एक महीना हुआ। अभी किनके यहाँ आए? डीएम साहब। अच्छा, क्या चाह रहे हैं? इंदिरा आवास हम लोग को मिलना चाहिए, गरीब मजदूर खेतिया है। क्या नाम हुआ आपका? सोर जाधव। कौन सा प्रखंड है? हनुमान नगर। खर्चा पानी बंद कर दिया है। कौन बंद कर दिया? पति हमको खर्चा पानी बंद कर दिया। आपका पति नहीं दे रहा खर्चा? नहीं। कब से नहीं दे रहे हैं? 7 साल से नहीं दे रहा। अच्छा, किस लिए क्या दिक्कत हुआ जो खर्चा नहीं दे रहे? खर्चा नहीं दिए, खर्चा मांगते हैं तब कहते हैं जमीन भर जब भीख मांग के खाइए, घटना लेके भीख मांगिए, खर्चा नहीं कीजिएगा। क्या करते हैं आपके पति? मास्टर है, हेड मास्टर। कहाँ के? चाले बलो। अच्छा, अभी भी हम खर्चा आखिर क्यों नहीं दे रहे, क्या कर रहे हैं आपके पति? खर्चा नहीं देता है। क्या करते हैं? पति के यहाँ ही रह रहे हैं या कहाँ रह रहे हैं अभी? नया संबंध किसी और महिला से होगी, उसके लिए बताइए क्या दिक्कत है, किस लिए खर्चा नहीं देगा? दूसरा महिला से की कहे कि साफे हमको नहीं देता है, जब कहते हैं तो हम मार बैठते हैं। तो अभी किनके यहाँ आए? डीएम साहब। क्या चाह रहे हैं न्याय के रूप में, क्या चाह रहे हैं? आधार खर्चा सारा खर्चा चाहिए। कहाँ से आए? ग्राम पोस्ट धनौर जिला मुजफ्फरपुर। कौन सा जिला? मुजफ्फरपुर। शादी आपकी कहाँ हुई थी? पति का भी कहाँ, जो उनका जो काम करते हैं कहाँ करते हैं, पोस्टेड कहाँ है अभी? दरभंगा में। अच्छा, आप मुजफ्फरपुर के रहने वाले? शादी आपका दरभंगा हुआ था या मुजफ्फरपुर? लेकिन पोस्टिंग आपके पति का यहाँ है, नहीं दे रहे इसलिए आप लोग आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? पति का नाम? राजकुमार महतो। करते हैं बोलू, दरभंगा में नौकरी करते हैं। कहाँ करते हैं नौकरी? जाले बल्ला। कब से करते हैं नौकरी? 40-45 मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा आगामी छात्र संघ चुनाव को देखते हुए शुक्रवार को दूसरी बार सीएम आर्ट्स कॉलेज पर सदस्यता अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व सीएम कॉलेज के एमएसयू के छात्र नेता शुभम कुमार, पिंटू कुमार यादव, संदीप सिंह, आदर्श रॉय, सूरज ठाकुर कर रहे थे। सदस्यता अभियान में शामिल एमएसयू के जिला कॉलेज प्रभारी प्रतीक सत्संगी, शुभम कुमार, पिंटू कुमार यादव, संदीप सिंह, आदर्श रॉय, सूरज ठाकुर ने कहा कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन विगत 5 वर्षों से महाविद्यालय प्रशासन से लेकर विश्वविद्यालय के खिलाफ आंदोलन करने का काम किया है। अब आंदोलन का असर दिखने लगा है कि विश्वविद्यालय के द्वारा छात्र संघ चुनाव की घोषणा कर दी गई है। घोषणा के बाद संगठन काफी सक्रिय हो गया है। दरभंगा मधुबनी के तमाम कॉलेजों में लगातार सदस्यता अभियान व टीम निर्माण किया जा रहा है। इसी कड़ी में दरभंगा के सीएम आर्ट्स कॉलेज पर सदस्यता अभियान चलाकर लगभग 150 छात्र छात्रा को संगठन के विचारधारा से जोड़ा गया है। छात्राओं को संबोधित करते हुए छात्र नेता ने कहा कि सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रतिष्ठित कॉलेज में से एक है, लेकिन जब छात्र सुविधा की बात आती है तो काफी सारी कमियां नजर आती हैं। छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा नहीं है। कॉलेज के पास अपना कैंटीन, साइकिल स्टैंड जैसी मूलभूत सुविधा का भी अभाव है। शिक्षकों की कमी है। क्लासरूम में छात्रों को बैठने तक के लिए जगह नहीं रहता। काउंटर पर अवैध वसूली की जाती है। असामाजिक तत्व कॉलेज पर हावी रहते हैं। नामांकन में अधिक पैसे लिए जाते हैं, जिसके खिलाफ संगठन पूर्व में ही आंदोलन कर चुका है और पुनः सभी मांगों को लेकर आंदोलन करने का भी काम करेगा। संगठन के विचारधारा को सुनते हुए काफी संख्या में छात्रों ने संगठन का सदस्यता ली और इस बीच छात्रों को छात्र संघ चुनाव लड़ने में भी रुचि दिखाई। साथ ही छात्रों को छात्र संघ चुनाव, छात्र आंदोलन की भी जानकारी उपलब्ध करवाया गया कि कैसे एक छात्र अपने समाज को बदलने का काम कर सकता है, जिसके छात्र राजनीति में युवाओं को सक्रिय होना जरूरी है।
साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र का शिक्षा मजाक जैसा ही है। छात्रों को शिक्षा नहीं सिर्फ डिग्री बांटा जा रहा है। ऐसे में इस क्षेत्र में विशाल छात्र आंदोलन की जरूरत है। कॉलेज के से छात्रों को आगे आना पड़ेगा, तभी क्षेत्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सपना देखा जा सकता है। यह अभियान सुबह 10 बजे से दिन के 2 बजे तक चला, जिसमें काफी संख्या में छात्रों से अपना सहभागिता दी। इस अभियान में संगठन के मनीष यादव, श्याम सुंदर, अंकिता कुमारी, मरियम परवीन, केशव कुमार झा, नीतीश कुमार, जीवन कुमार, अन्य छात्र छात्राएं व संगठन के सदस्यता ग्रहण किया। देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन से सीएम कॉलेज इकाई से मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ पिंटू जी हैं और हम लोग आज का कार्यक्रम सदस्यता अभियान चला रहे हैं कॉलेज में। वैसे तो सदस्यता अभियान सारे स्टूडेंट यूनियन चला रहे हैं कॉलेज में, लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी होती है तो हम लोग भी अदा कर रहे हैं। बाकी स्टूडेंट को हम लोग अवेयर कर रहे हैं स्पेशली कि आप लोग के लिए ऑथेंटिकली काम कौन सा संगठन कर रहा है, आपके लिए काम कौन कर रहा है संगठन के लिए, मिथिलावाद को, क्षेत्रवाद को, छात्रों के लिए कौन आगे आ रहा है। स्टूडेंट्स को हम लोग अवेयर कर रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के ज़्यादातर स्टूडेंट हैं जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन को उतना नहीं जान रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं। आप अपने सीनियर से बात करिए, उनके लिए आवाज़ कौन उठाया है और मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लिए लड़ा कौन है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन छात्रों के लिए लड़ा है, आगे भी लड़ेगा। जय मिथिला। शुभम कुमार, सीएम कॉलेज। हमारे साथ MSU के CM कॉलेज इकाई के प्रवक्ता आदर्श जी जुड़े हुए हैं। आदर्श जी, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? आज का हम लोग का कार्यक्रम था सदस्यता अभियान, और हम लोगों ने क्लास में जाके हर क्लास के बच्चे को बताया है और जागरूक करने का भी काम किया है और अपने संगठन में जोड़ने का भी काम किया है। और आगामी छात्र संघ के चुनाव को लेकर अपना प्रोविजन बताया, और हम लोग का मानना है जो हम अपना कैंडिडेट नहीं देंगे, बच्चा खुद अपना कैंडिडेट चुने और आगे बढ़ाए उनको। आज का मेनली काम यही था हम लोग का। थैंक यू। फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला का उद्घाटन किया गया दरभंगा मेडिकल कॉलेज DMCH कर्पूरी चौक के पास फीता काटकर विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा के द्वारा। शुक्रवार की शाम फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला में काफी आकर्षक दृश्य और कई तरह के झूले का आनंद आप ले सकते हैं। मालूम रहे कि DMCH के ग्राउंड कर्पूरी चौक के पास फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला में वैष्णो देवी मंदिर का नजारा देखने को मिलेगा। इसके अलावा बड़े छोटे सारे झूले का आनंद आप ले सकते हैं। वहीं लंदन ब्रिज तक का भी नजारा देखने को मिलेगा, साथ ही दुबई सिटी का भी आप नजारा देख सकते हैं। मेला का आयोजन रविवार से प्रारंभ हो जाएगा और इस मेले का समय दिन के 3 बजे से रात के 10 बजे तक चलेगा। 3 साल से नीचे बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं लगेगी। गेट के पास जहाँ टिकट कटता, सबसे पहले तो हम बहुत आभारी हैं कि हमारे माननीय विधायक जी डॉक्टर मुरारी मोहन झा के द्वारा आज विधिवत उद्घाटन हुआ है, और साथ ही साथ इस मेले में पहली बार दरभंगा वासियों के लिए वैष्णवी देवी का सेटअप है, जहां घोड़सवारी पालकी के साथ में आपको बड़े व छोटे झूलों का आनंद ले सकते हैं। दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ के शुभ अवसर पे, और साथ ही साथ आपको महिलाओं के लिए प्रॉपर सुरक्षा की व्यवस्था है। विधायक जी की तरफ से भी निर्देश है, प्रशासनिक निर्देश को भी हम पालन कर रहे हैं। पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था है, बहुत सारे मेले लगते हैं जहां पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती है, हमारे मेले में तो पार्किंग की व्यवस्था है। साथ ही साथ आपको लंदन ब्रिज है, दुबई सिटी का पूरा सेटअप है। यही शुभकामना और हमारा मांग है कि पूरे दरभंगावासी पहली बार वैष्णव देवी के सेटअप के साथ यहां हस्तशिल्प के बहुत सारे काउंटर लगे हुए हैं। ये मेला आज उद्घाटन हुआ है, विधिवत रविवार से संचालित हो जाएगा, 3 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक ये संचालित होगा। सभी दरभंगा वासियों से यही प्रेम है, जिस तरह हमको प्रेम दिए हैं, आइए मेले में घूमिए, आनंद लीजिए। छोटे उम्र के जो बच्चे 3 साल से नीचे के बच्चों का टिकट नहीं ले रहे हैं और उनके लिए छोटे बड़े झूलों का सेटअप है, साथ ही साथ खिलौनों का दुकान है, उनके लिए एक प्रॉपर गेम जोन बनाया गया है जहां पर वो अपने परिवार के साथ आनंद ले सकते हैं। जो बुजुर्ग आपको 60 साल के ऊपर के लिए टिकट नहीं है, साथ में साथ उनके लिए एक अलग से जोन बनाया गया है जहां पर वो बैठने का व्यवस्था है, टॉयलेट की प्रॉपर व्यवस्था है, पानी की टोटल व्यवस्था है, जो उनको कंफर्टेबल लगे, उनको ऐसा ना लगे कि उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई। कितनी प्रकार के झूला है लगाए हैं इसका? यहाँ 7-8 प्रकार के झूला है, जिसमें आपको सबसे बड़े बिहार झारखंड का सबसे चीज चेयर का ज्वाइंट झूला लाया गया है, टावर है, आपको ब्रेक डांस है, ड्रैगन है, मिकी माउस है, आपको वाटर बोर्ड है, इस तरह के बहुत सारी झूले की व्यवस्था की गई है। कब तक ये मेला का आयोजन चलेगा? ये मेला आपको छठ तक चलेगा सर।
कितने स्क्वायर फीट में ये बनाया गया? ये 300 बाय 200 स्क्वायर फीट में ये संचालित किया गया प्रॉपर पार्किंग के साथ। एंट्री फीस रखा गया 30 रुपया में, ये दुबई सिटी का और लंदन ब्रिज का आनंद ले सकते हैं। वैष्णो देवी के लिए आप प्रॉपर टिकट कटा के उनका आनंद ले सकते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मैं प्रदीप कुमार मिश्रा, संस्थापक दल का दल हूँ। मेरे साथ में सुनील भैया हैं और पिंकू भैया हैं, उसके साथ हम संचालित करते हैं। थैंक यू। आज सबसे पहले मैं यहाँ जो व्यवस्थापक के हैं उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रण दिया और बुलाया। आज इसका उद्घाटन हुआ है, अभी पूरे तौर पर यह चालू होने में 2 दिन और समय लगेगा, मगर निश्चित रूप से दरभंगा वासियों के लिए एक छत के नीचे बहुत सारे कुछ यहाँ देखने को मिलेंगे। बाजार भी यहाँ विभिन्न स्टेट से लोग आए हैं जिनका स्टॉल यहाँ लगा है और स्टॉल विभिन्न स्टेटों का लगाया गया है और स्वरोजगार से जो लोग जुड़े हुए हैं, हस्तशिल्प जिसे कहते हैं, उन लोगों को भी यहाँ बुलाया गया है। विभिन्न स्टेटों का, विभिन्न राज्यों का यहाँ हाथ अपने स्वयं हाथ से निर्मित वस्तुएं भी यहाँ के लोग प्राप्त कर सकेंगे। और खास करके यहाँ देखने वाली बात है कि वैष्णो माता का जो यहाँ मतलब उनका मैंने मंदिर का सेटअप पहली बार हुआ, सेटअप चारों धाम सहित जो किया गया है वो यहाँ काफी दर्शनीय है। लोग को उसमें आनंद आएगा। यहाँ के लोग खास करके परिवार बाल बच्चे के साथ जो आएंगे उनके लिए यह बहुत सौभाग्य की बात होगी कि वैष्णो माता का दर्शन इस मंदिर में यहाँ होगा और चारों धाम का भी यहाँ दर्शन होगा। इसलिए यह बहुत बड़ी इस डिज्नीलैंड मेला में जो यह लगा है यह काफी सराहनीय है। क्या शुभकामना देंगे इनको? हम तो शुभकामना देंगे कि इस प्रकार जो हमने घूमा है, यहाँ देखा है बहुत सारे झूले, जैसे बोले एक झूला यहाँ लगा है जो 300 आदमी एक बार में यहाँ बैठ के टावर झूलेंगे और वो रेयर है, मतलब हिंदुस्तान के लिए रेयर है, बहुत कम देखने के लिए मिलता है। हाँ, बहुत कम देखने के लिए ऐसा मिलता है। तो उसका भी यहाँ बच्चे काफी आनंद लेंगे। भगवान इन्हें तरक्की दें और जिस उद्देश्य से इस चलाए हैं यहाँ समाज के लोगों को भी इसका पूरा मतलब दर्शन हो, समाज के लोगों को भी फायदा हो और इन्हें भी भगवान तरक्की दे, यही मैं ईश्वर से कामना है। धन्यवाद, मैं इनका जो है धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? सुनील। आप कौन हैं? हम लोग साथ में मिलकर संचालन करते हैं। थैंक यू। दरभंगा में एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी चल रही है जिसमें नाच गाने भी हो रहे हैं और खुलेआम पिस्तल लहराया जा रहा है। मानो ऐसे लोगों को पुलिस प्रशासन का बिल्कुल डर या खौफ है ही नहीं। वीडियो में देखकर आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से पिस्तल दिखाया जा रहा है। ऑर्केस्ट्रा पार्टी में खुलेआम पिस्तल दिखाने के संबंध में बीटीएन न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने शनिवार को दरभंगा के सिटी एसपी अशोक कुमार चौधरी से बात की तो उन्होंने काफी संक्षिप्त में बात करते हुए मामला संज्ञान में लेने की बात कही और कहा कि यह बिशनपुर थाना क्षेत्र का मामला है और इसमें उचित कार्रवाई की जा रही है। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले में जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उन पर नियम अनुसार कार्रवाई होगी। सर, ऑर्केस्ट्रा पार्टी में जो है पिस्टल लहराया जा रहा है खुलेआम, क्या मामला है सर? वीडियो वायरल हो रहा है। मामला संज्ञान में है, बिशनपुर थाना क्षेत्र में मामला है, थानाध्यक्ष इसमें उचित कार्रवाई कर रहे हैं। लोग हैं जो भी लोग हैं, जो भी इन्वॉल्व होंगे उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर छात्र जदयू के द्वारा अपने कई मांगों को लेकर शनिवार को प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। इस प्रदर्शन का नेतृत्व छात्र जदयू के विश्वविद्यालय अध्यक्ष आसिफ कमाल कर रहे थे, जिन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि विश्वविद्यालय में शिक्षा के नाम पर अराजकता फैली हुई है, यहाँ छात्र हित में कोई काम नहीं हो रहा है। वहीं प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय के कई विभाग बंद दिखे। इस प्रदर्शन में उन्होंने बताया कि परीक्षा का रिजल्ट जो पेंडिंग है या प्रमोटेड है, और जब कोई एडमिट कार्ड मिलता है तो उस पर परीक्षार्थियों के बजाय दूसरे लोगों की फोटो आ जाती है और विश्वविद्यालय की इस तरीके की बात होना एक आम बात बनकर रह गई है और ऐसी स्थिति में छात्र छात्राओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई चक्कर काटने के बाद भी विश्वविद्यालय में कोई इसका समाधान नहीं निकलता। छात्रों के समस्याओं का समाधान करते हैं, जिस तरह से स्नातक प्रथम सेमेस्टर में छात्राओं से एवं दलित छात्र से पैसा लिया जा रहा था, लगातार हम लोग उस चीज का विरोध किए। चार प्रधानाचार्य पर कुलपति महोदय के द्वारा शो काउज करवाए, उसके बावजूद भी हाईकोर्ट का आदेश है, सरकार का सख्त निर्देश है, उसके बावजूद भी बड़ा बड़ा अखबार में न्यूज छपता है कि छात्राओं से शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए, उसके बावजूद भी कॉलेज के प्रधानाचार्य अगर फीस ले रहे हैं तो उनको किनका संरक्षण प्राप्त है? कुलपति महोदय इस बात का जवाब दें। कुलपति महोदय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बिहार का टॉप यूनिवर्सिटी हुआ करता था। आज जब बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो इतना बड़ा बड़ा कारनामा कर दिए हैं, 20-20 करोड़ का घोटाला, कि शर्म महसूस होता है। कहाँ से पढ़े हैं तो मिथिला यूनिवर्सिटी से, बाहर में कहने में शर्मिंदगी महसूस होता है। क्या कुछ कहें? देखिए, यह प्रदर्शन जो है मिथिला के हक हकूक के लिए है, छात्र छात्राओं के अधिकार के लिए, और वंचित समाज के जो लोग यहाँ पढ़ते हैं उनके लिए है। क्योंकि आज देखते होंगे कि जो लोग अमीर तबके के लोग हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में न जाने विदेश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चले जाते हैं, लेकिन एक गरीब का बच्चा, एक संघर्ष करने का बच्चा, वाले का बच्चा जब इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आता है तो उसके मन में एक ललसा होती है कि हम पढ़कर जो है अपने समाज का ही नहीं, अपने जिला का ही नहीं, अपने राज्य और देश का नाम को रोशन करें। लेकिन कुछ लोगों की यही मानसिकता है कि वो लोग चाहते हैं कि गरीब का बच्चा यहाँ से नहीं पढ़े। यही कारण है कि आज विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग में सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, यहाँ पहले यहाँ क्वेश्चन छपाई होता था, परीक्षा भवन बना हुआ है, उसके बावजूद यहाँ से डेटा जो है लखनऊ, कलकत्ता, अन्य प्रदेशों में जाता है और वहाँ से फिर रिजल्ट सुधार करके आता है। एक एक रिजल्ट सुधार करने में बच्चों को महीनों महीनों लग जाता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारी मांग है कि मिथिला विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं वो बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है सक्षम है कि यहाँ बैठकर काम कर सके, और डेटा सेंटर जो मोटा पैसा देते हैं विश्वविद्यालय में, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट बनता है तब करोड़ों रुपए का जो है वो पैसा देते हैं, और जिस चक्कर में वो जिस तरीके से चाहते हैं, पूर्व में भी आपने देखा होगा कि एक डेटा सेंटर जो है बहुत सारा रिकॉर्ड लेकर जो है विश्वविद्यालय का भाग गया, तो हम लोगों को चिंता है कि विश्वविद्यालय का जो रिकॉर्ड है, कल हो के अगर किसी आपके बच्चे को, हमारे बच्चों को नौकरी होगा, उस समय में जब रिकॉर्ड मांगा जाएगा तो रिकॉर्ड अगर नहीं होगा तो उनका नौकरी खत्म, खतरे में होगी। तो हम लोगों की ये सारी मांगे हैं। आज महिलाओं को, लड़कियों को, बेटियों को विश्वविद्यालय में, जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने कहा, विश्वविद्यालय महाविद्यालय से विश्वविद्यालय में आते हैं, उनको एक साफ सुथरा शौचालय नहीं मिल पाता, ये कितनी खराब बात है। बैठने की व्यवस्था नहीं है, ये कितनी खराब बात है। और आज जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, जो लोग इधर उधर की दलाली करते हैं, आप उन लोगों को जो है माननीय कुलपति महोदय संरक्षण देने का काम करते हैं, तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग नीतीश कुमार जी के सच्चे सिपाही हैं,
और एक एक सिपाही अगर मजबूती से दौड़ जाएगा तो यकीन जानिए कि एक भी चोर नहीं बचेगा। तो अब हम लोग ये ठाना है कि विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आज छात्र जदयू विशाल धरना प्रदर्शन विश्वविद्यालय मिथिला विश्वविद्यालय कैंपस में कर रही है। उनकी मुख्य समस्याएं जो छात्र और छात्राओं की हैं, जैसे रिजल्ट लगातार विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालय में पेंडिंग, प्रमोटेड और एडमिट कार्ड जब जारी होती है तो उस पर फोटो स्टूडेंट के बजाय एक्टर एक्ट्रेस और नेताओं का आ जाता है। इस पे लगातार डाटा सेंटर को हम लोग अवगत कराते रहे हैं और भाई चांसलर से मिलते रहे हैं, उसके बावजूद रिजल्ट की जो गड़बड़ी है, जो समस्याएं हैं लगातार वो समाधान नहीं हो रही है। लगातार हम लोगों ने डाटा सेंटर के बारे में कहा है कि डाटा सेंटर अगर मिथिला विश्वविद्यालय का है तो मिथिला विश्वविद्यालय से सुचारू रूप से चले। अगर सुचारू रूप से मिथिला विश्वविद्यालय से चलेगा तो छात्र और छात्राएं जो समस्तीपुर, बेगूसराय, मधुबनी से दूर दराज से आते हैं उनकी समस्या तुरंत समाधान होगी। लेकिन ये डाटा सेंटर लखनऊ से सुचारू रूप से चल रही है जिसमें महीनों भर रिजल्ट क्लियर कराने में टाइम लगता है और स्टूडेंट दर दर विश्वविद्यालय में भटकते रहते हैं। दूसरा मुद्दा है कि सत्र जब तक नियमित नहीं हो, छात्र संघ चुनाव छात्र जनता दल यूनाइटेड नहीं चाहती है, क्योंकि सत्र नियमित होगा तो लंबे समय तक छात्र नेता जो जीत के आएंगे वो रहेंगे और छात्र छात्राओं की आवाज को अपनी आवाज समझकर बुलंद करेंगे और छात्र छात्राओं की समस्याएं का समाधान होगा। और डिस्टेंस एजुकेशन जो है लगातार बंद है। हम लोग की मांग है कि डिस्टेंस एजुकेशन को अविलंब खोला जाए और हमारी मांग है कि छात्र कल्याण पदाधिकारी जो पद पर आसीन है उनका कार्यकाल छात्र हित में असंतोष रहा है, उनको अविलंब बर्खास्त किया जाए, उनको पद मुक्त किया जाए। और लॉ कॉलेज जो लगातार बंद है, लॉ कॉलेज जो है हमारी एक गरिमा है जिला की, वो लॉ कॉलेज लगातार बंद है। निकम्मी वीसी के कारण ये लगातार हम लोग नवाज उठाए हैं, फिर भी वो बंद है। हम चाहते हैं कि लॉ कॉलेज खुले ताकि जो दूर दराज से लोग आते हैं, जिला के लोग हैं जो लॉ कॉलेज में है, वो अपनी पढ़ाई करके आगे बढ़ सके। और हमारी मांग है कि महाविद्यालयों में छात्रावास की, विभिन्न महाविद्यालयों में छात्रावास की व्यवस्था नहीं है, तो कॉलेज कैंपस में गर्ल्स कॉमन रूम की व्यवस्था नहीं है, विश्वविद्यालय में महिला शौचालय नहीं है। हम चाहते हैं सुचारू रूप से महिला शौचालय हो ताकि छात्राएं जो भी दूर दराज से आती है उनको परेशानी ना हो। छात्र जदयू की लगातार मांग है कि छात्र जनता दल यूनाइटेड अगर इन सभी मुद्दों पर अगर बात नहीं मानती है तो लगातार आंदोलन करेगी और इसका खसारी जिम्मेवारी विश्वविद्यालय पर। कुछ दिनों के बाद छात्र हम लोगों ने सदस्यता आई हुई है। हमारी पार्टी कोई बरसाती मेंढक नहीं है, जो बरसात आई है तो टैटर करेगी। हम लोग छात्र के हक और हुकूक के लिए दिन रात विश्वविद्यालय कैंपस में उपस्थित रहते हैं। हमारे छात्र नेता विभिन्न जो कॉलेज के अध्यक्ष हैं, जो विभिन्न संगठन के पद हैं, वो आपको हमेशा यहाँ मिलेंगे छात्र की आवाज़ को बुलंद करते हुए। आज कुछ दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया था कि छात्राओं को, दलितों को फीस मुक्त होगा, उनको एडमिशन में कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन यह जो भ्रष्ट फीसी है इसने उस छात्राओं से, उन दलितों से पैसा कमाने का, मोटा पैसा कमाने का काम किया। तो हमारे संगठन एकमात्र ऐसी संगठन है जो उन छात्राओं के लिए, उन दलितों के लिए, उन महादलितों के लिए आवाज उठाया और उनका पैसा रिटर्न करवाने का काम किया। ये पावर सिर्फ छात्र जदयू में है। और बता देना चाहते हैं, आप मुद्दे की बात कर रहे थे, यहाँ हमारे विश्वविद्यालय अध्यक्ष ने आपको अनेकों मुद्दे को बताया। यह जो वीसी है, यह जिस दिन से अपना पदभार ग्रहण किए हैं, यह सिर्फ इसको बना लिए हैं अपने अपने बीवी और बच्चे के साथ, चाहते हैं कि विश्वविद्यालय चले।
छात्र जदयू ये कभी संभव नहीं होने देगी, ये हम बता देना चाहते हैं। हम ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे। अगर आपको छात्र छात्राओं से मिलने के लिए समय नहीं है तो आप इस्तीफा दीजिए, अपना घर जाइए और वहां से आप चलाइए, अपना बीवी बच्चा से ऐश करिए, कोई आपको टोकने नहीं जाएगा। अगर आप पद पे रहिएगा तो आपसे सवाल होगा और आपको ये सुनना पड़ेगा आपका जो तानाशाही रवैया है वो मिथिला विश्वविद्यालय में नहीं चलेगा। ये कुल सचिव महोदय को हम बता देना चाहते हैं। और विश्वविद्यालय के इस बीसी को एक और बात आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि मोटा पैसा लेकर के जो जिन पर दागी पदाधिकारियों को जो ये रखे हुए हैं, जल्द से जल्द उनका इस्तीफा ले, नहीं तो इनका इस्तीफा हम लोग लेने का काम करेंगे। यहाँ पे काला मुंह पे लगा करके विधायक करने का काम करेंगे। ये पावर छात्र जदयू रखती है। अच्छा, ये जरूरत इसलिए पड़ती है कि बीसी उसको संरक्षण देने का काम करता है, उनका पैसा लेके उनको भी चाहिए और इनको भी चाहिए। पैसा नीचे से ऊपर तक पूरी पहुंचती है। इसके लिए हम लोग यह धरना प्रदर्शन का एक मुख्य मुद्दा यह भी है कि विश्वविद्यालय दलालों से मुक्त हो। आपके बगल में यह चापाकल है, देखिए सूखा पड़ा है, रोज बीसी आते होंगे, अगर कभी नजर नहीं पड़ता है। इनको सिर्फ माल ऐठने से मतलब है, तो यह विश्वविद्यालय में यहाँ चलने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ से उनको विदा कर देंगे। दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी का जनता दरबार लगा। दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से अच्छी संख्या में फरियादी पहुंचे थे। जमीनी विवाद से लेकर मारपीट, दहेज सहित अन्य कई बातों की शिकायत लेकर फरियादी पहुंचे थे। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा जन सुनवाई की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है और उनके शिकायत का तत्वित निष्पादन किया जाता है। इसी क्रम में 21 सितंबर को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल 1, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर 1, अंचल निरीक्षण सदर 1, अंचल निरीक्षण बहेरा 1, सकतपुर थाना 1, बेता थाना 1, कमतौल थाना 1, बहादुरपुर थाना 2, सिंहवाड़ा थाना 1, साइबर थाना 1, बिरौल थाना 1 एवं महिला थाना 1 कुल 13 फरियादी की समस्या की सुनवाई की गई। उनके निराकरण के लिए संबंधित को आदेशित किया गया। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर पहुंचे कई फरियादियों से हमने बात की, क्या कुछ शिकायतें थी उनकी हम आपको सुना रहे हैं। इसलिए एसपी साहब क्या आए हैं, क्या घटना घटी है? 26 अप्रैल को हमारी बहन की हत्या हो गई और इस पिछले 5 महीने से मैं दर की ठोकरें खा रहा हूं, दौड़ रहा हूं तमाम अधिकारियों के पास और विनती कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, लेकिन मुझे आज तक कोई न्याय, आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं है। सिमरी के अंदर ये अंतर्गत आता है, सिमरी थाना में है ये केस, लेकिन आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं है पुलिस के द्वारा। क्या कुछ घटना घटी थी, कैसे ये सब हुआ? जो है उसके परिवार वाले, उसके ससुराल वाले, मेरे बहन के ससुराल वाले जो है वो दहेज को लेकर हमारी बहन को हमेशा प्रताड़ित करते थे और 24 तारीख को हमारे पिताजी जब वहां गए तो उनको भगा दिया गया 24/4 को, और 26/4 को उसकी हत्या कर दी गई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार साफ ये जिक्र है कि उसकी हत्या की गई है। हत्या का मामला उसकी सारी तस्वीरों के बाद पोस्टमार्टम में आ गया बात की हत्या हुई। जी बिल्कुल, इसमें क्लियर हो चुका है कि हत्या हुई, लेकिन आज भी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं है, नहीं आज तक किसी की गिरफ्तारी है। ये बहुत बड़ा जो है हमारे लिए, और यहाँ प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की, न्याय के रूप में क्या चाह रहे हैं? हम यही चाहते हैं कि ऐसे दरिंदों को, तमाम अधिकारीगण से मैं आग्रह कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि ऐसे दरिंदों को फांसी के सलाखों पर चढ़ाई जाए और इस गरीब परिवार को जरूर से जरूर न्याय दिलाई जाए। कौन कौन अधिकारी पुलिस पदाधिकारी के पास? इससे पहले मैं एसएसपी साहब से मिल चुका हूँ कई बार, सीटीएसपी साहब से मिल चुके हैं, डीआईजी साहब से दरभंगा मिल चुके हैं, जो है जिलाधिकारी से भी मिल चुके हैं, जनाब डीएम राजीव रोशन साहब से भी मिल चुके हैं। क्या कुछ आश्वासन इन लोगों को? उन लोगों ने मिला कहा था कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन आज तक मुझे कुछ लिखने को नहीं मिला है, आज तक जो है किसी की गिरफ्तारी नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महफूज आलम है। थाना क्षेत्र क्या हुआ आपका? ये सिमरी थाना का कांड संख्या है। 26 अप्रैल 2024 को एक घटना हुई थी, हमारी बहन की हत्या कर दी गई। न्याय की मांग यही है हमारी कि हम जो है हमें इंसाफ मिले, इस गरीब परिवार को इंसाफ दिलाया जाए। आप कौन हैं परिवार के? हम इस मृतक के जो है बहन के भाई की इकलौती बहन थी हमारी, जिसकी हत्या कर दी गई। क्या नाम था आपका? खुशबू खातून। लेकिन आज कितना उनका उम्र कितना रहा होगा? 21 साल। जी बिल्कुल, इसकी हत्या जो है 5 लाख रुपया एक बुलेट गाड़ी नहीं देने पर जो है उसकी हत्या कर दी गई, इसलिए मैं अलीगंज से। और अभी जो हमारे डीआईजी सर आए हैं, एसएसपी सर हैं, एसपी सर तमाम लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूँ,
मैं चाहता हूँ कि ऐसे दरिंदों को फांसी के सलाखों पर चढ़ाई जाए। की दिक्कत भले? मारपीट भले। अच्छा, कत्तो भले? मारपीट भले, व्यवस्था बाधे अथी कब्जा बाधे करू। की बात भले की मारपीट भले? मारपीट भले, अहाँ अथी लऽ कर लोन दिए नहीं चले हमारे लड़का पचास हजार लोन में भरी रहे न लोन भरी रहे लोन भरी कहीं पर झगड़ा भर गए। थाना कौन सा? थाना बहादुरपुर जोगिंदर नहीं करूँ हमारे कोई फैसले नहीं होते हैं। डी एम सी एच में जाकर पैसा जाकर अगरम बगरम कर गरीब आदमी का की कर। मेरे खेती संबंधी के संबंध है, सगे भाई के संबंध में खेती कब्जा कर रखा है, जमीन बेच दिया है। मेरे जमीन भी उसी को कब्जा दे दिया जिससे बेचा है, और रेप केस करके 2018 में जेल भेजवा दिया। आप यहाँ कहाँ है? मैं तो बाबूराम मिस्त्री की टैन चाह रहा हूँ। अच्छा, तो क्या चाह रहे हैं? मैं सोचता हूँ मेरा जायज फैसला होना चाहिए। जैसे क्या होना चाहिए? जायज होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। दरभंगा सांसद सह लोकसभा पार्टी के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि दरभंगा मिथिला का केंद्र बिंदु है। दरभंगा का उड़ान सेवा देश स्तर पर अधिक मुनाफा देने वाला हवाई अड्डा में शामिल है। अब इस हवाई अड्डे की महत्ता को देखकर उन्होंने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू से एक माह पूर्व मिलकर दरभंगा एयरपोर्ट को विश्व स्तरीय बनाने के लिए चर्चा की थी और विमान सेवा को हर दृष्टि से प्रशंसनीय बनाने का अपना सुझाव दिया था, जिस पर पहल शुरू कर दी गई है, जिसके लिए नागर विमानन मंत्री बधाई के पात्र हैं। उसी पहल का नतीजा है कि विभाग के द्वारा नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास पीएम के हाथों 26 सितंबर को होने की घोषणा की गई थी, जो किसी कारणों से स्थगित कर दी गई और शीघ्र ही नई तिथि की घोषणा की जाएगी। उन्होंने एक साथ यह भी बताया कि यह हवाई अड्डा उड़ान योजना से बाहर हो चुका है, इसलिए स्पाइसजेट का एकाधिकार खत्म हो चुका है और इंडिगो आकाशा जैसी कंपनियों से उड़ान सेवा शुरू कराने के लिए विभागीय प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार बनाने के लिए अब लगभग 54 एकड़ में 913 करोड़ की लागत से नए सिविल एनक्लेव और टर्मिनल भवन का शिलान्यास शीघ्र ही किया जाएगा, जिसमें 11 एप्रन का निर्माण किया जाएगा, जिस पर एक साथ 27 विमान को ठहराया जा सकता है। दरभंगा एयरपोर्ट को भव्य और दिव्य स्वरूप में बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार को प्रतिबद्ध बताते हुए कहा कि वर्षों तक शासन में रहने वाली कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने मिथिला की समस्याओं को नजरअंदाज किया, जिसके कारण यह क्षेत्र विकास से वंचित रहा, लेकिन भाजपा और एनडीए के शासन में आते ही अब यहाँ के विकास में तेजी आनी शुरू हो चुकी है। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने मिथिला के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट करते हुए कहा कि दरभंगा की जनता ने जिस विश्वास से उन्हें दूसरी बार जीत दिलवाई है, उस विश्वास को वे कभी कमजोर नहीं होने देंगे।